करते हैं चौथी किताब, जिस किताब ने पूरा गेम चेंज कर दिया हैबिट के हवाले से, और ये किताब लिखी है ब्रेंडन बर्चर्ड्स अपने हाई परफॉर्मेंस हैबिट। इसको मैं रिकमेंड करूंगा आपको लाजमी पढ़ें, क्योंकि बिकॉज इस किताब के अंदर जो मॉडल्स टूल्स और एक्सरसाइजेस मौजूद हैं आप देख के हैरान हो जाएंगे। छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर लिखा है कि रिलीज टेंशन सेट इंटेंशन, प्रैक्टिस करने का मौका दिया। मतलब इस बुक इस लाइक योर वर्क बुक। अगर आपको स्मोकिंग भी छोड़नी है तो इस किताब के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं टूल इसी में से निकाल के। मींस कि ये इसमें मॉडल्स मौजूद हैं जिसको अप्लाई करके आप फौरन देख सकते हैं ये मॉडल नहीं चला है बेकार है। आप अगर इसके साथ अगर आप फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली अगर देखा जाए गुड हैबिट बैड हैबिट में ये चीज़ें नहीं है, ना कि द पावर ऑफ हैबिट में मौजूद है। सो ये किताब अभी के मुताबिक मैं कहता हूँ कि सेकेंड नंबर पर बुक है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। ये मेरे मुताबिक रेटिंग है जो मैं समझता हूँ, जो अगर आपको प्रोफेशनल और पर्सनल अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्योंकि इसमें हाई परफॉर्मर्स के बारे में बताया गया है, वो लोग जिन्होंने भी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है इस मेथड तो इस टूल और इस फ्रेम के थ्रू। आपने एक मिसाल सुनी होगी फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो जब तक आप कॉपी करते रहते हैं तो अपना खुद ब खुद आप सीख जाते हैं जो आपको खुद करना होता है। सो ये किताब आपको हेल्प आउट करेगी। लास्ट बुक जिसने सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग बदल दिया और हैबिट के हवाले से मैं परेशान हो गया यार, और मैंने जब इसको चेंज करा अपनी दो हैबिट्स को ब्रेक करा एंड आई रियली सरप्राइज कि इट्स बुक नेम इज़ एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर साहब ने किताब जो है, मैं इनको किलर इसलिए कहता हूँ क्लियर से ज़्यादा बिकॉज उन्होंने क्लियर कर दिया किताब के अंदर। इन्होंने जो बिहेवियर के चार बिहेवियर जो थ्यू इसमें पूरे मेथड्स बताए उसके अंदर क्यू रिवॉर्ड बिहेवियर चेंज फिलॉसफी जितने मेथड्स हैं और टाइनी मेथड्स के आप कैसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे गोल अचीव करना है तो मुझे अपने हैबिट बदलनी नहीं है, मुझे अपना सिस्टम कैसे बदलना है। मतलब कि बीच कैसे अगर मैं अपना सिस्टम बदल दूंगा तो ऑटोमेटिक हैबिट मेरी चेंज रहेगी। अच्छा इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि बैड हैबिट को चेंज करना है तो कोई ना कोई आपको दूसरी हैबिट भी चाहिए। आपकी कोई भी एक हैबिट ख़त्म नहीं हो सकती, आप उस हैबिट को चेंज करते हो रिप्लेस करते हो, जो इस किताब में बखूबी एटॉमिक हैबिट के राइटर ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा है। मेरे हिसाब से ये दोनों किताबें बेहतरीन हैं पढ़ने के लिए हैबिट के हवाले से, एंड इट्स माय रिव्यू कि आप इन दो किताबों को लाजमी पढ़ें। सेवन हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल आपको पढ़नी है, आपको टाइम मैनेजमेंट बेहतर करनी है, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी चीज़ें और बेहतर करनी है, स्टोरीज से सीखना है, तो आप वो किताब लाजमी पढ़ें। लेकिन अगर आपको सच में कुछ चेंज चाहिए और अप्लाई करना है तो दीज टू बुक्स विल्स हेल्प्स यू अलॉट। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन जो कि मैंने जाना है इस पाँच से छः किताबों में। एक किताब और है दी अवॉकन द जाइंट टॉनी रॉबिन्स की, वो किताब के अंदर भी कुछ मेथड्स मौजूद हैं जो कि इन दोनों से बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन वो ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस उसके ऊपर बात करता है। तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये टू बुक्स इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। आप लोग उसको एक बार लाजमी पढ़ें और उसको अप्लाई करें बिकॉज आई और मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मेरी कौन कौन सी हैबिट चेंज हुई है, जो कि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और एक वीडियो पूरी पब्लिश करूँगा हाउ दीज बुक्स हेल्प मी कि मैं अपनी हैबिट्स को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जैसे फोकस मैंने अपना बेहतर करा है, पीछे मेरे चार्ट नज़र आ रहे होंगे, ये सब मैंने इन किताबों से सीख के इस पर अप्लाई करा है और डेली बेसिस पे तो प्रैक्टिस करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इसी तरह के रिव्यूज़ मैं आगे देते रहूँगा। इट्स नॉट लाइक अ रिव्यू, इट्स माई लर्निंग, मैं इसको लर्निंग कहता हूँ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।